यहाँ जो इच्छा करोगे वो मिल जाएगा, लेकिन इच्छा करके नरक में जाना पड़ेगा। हम संसार की इच्छा करेंगे तो मारे जाएंगे। भगवान कहते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में, अरे जीवो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तू जानता है? तुम्हारी इच्छा पूरा करने के लिए तू जो चाहता है वह बनकर मैं तेरे पास आ जाता हूँ। तूने कामनी की चाह की, मैं नारी बनकर के आ गया। ऐसे तुच्छ कामनाएं करके तू जन्म जन्मांतर रो रहा है, इसीलिए पुकार रहा हूँ बेटा आ, निष्काम बनकर के आ। चाह जब तक रहेगी तब तक मधुर रस में कोई प्रवेश करेगा नहीं। ये वृंदावन है, वृंदावन आने के बाद यदि कोई अन्यत्र कहीं जाता है तो अभागा जी। वृंदावन में साहजिक जे संपद सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपद तार एक बिंदु। वृंदावन की एक रज की तुलना द्वारका और वैकुंठ नहीं कर सकता। अरे परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ धनी तहा वृंदावन धाम। ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम जो श्री कृष्ण है वो वृंदावन में क्या करते जाते हैं ना, देहि पद पल्लवम उदारम, तुमसि मम जीवनम, तुमसि मम भूषणम, तुमसि मम भव जलधिलग्नम, प्रिय चारुशीले, प्रिय चारुशीले, मुंच मई मानम निदानम। ओ भगवान की ऐसे चिंतामणि मय भूमि रत्ने र भवन, ये वृंदावन का प्रत्येक कण प्रत्येक रज क्या है तो चिंतामणि है। चिंतामणि मय भूमि, ये ब्रजरज जो दिख रहा है साधारण ताकत नहीं है महाराज। इस रज की आराधना किया करते हैं संत महात्मा लोग। चिंतामणि गोरदासी चरण भूषण, गोपियों की चरण में जो भूषण है वो चिंतामणि है। यहाँ पर एक नहीं, स्वर्ग में तो एक कल्प वृक्ष है जिससे स्वर्ग के देवता लोग सुरद्रुम स्वर्ग संपदा, समस्त स्वर्ग की संपदा एक कल्प वृक्ष दे देता है। लेकिन वृंदावन के जितने वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष हैं। यदि आपको विश्वास नहीं, एक महात्मा कहते थे तुम किसी एक वृक्ष का आश्रय ले लो तुमको जीवन भर रहने खाने सब व्यवस्था कर देगा। ये वृक्ष कल्प वृक्ष है। अब वृंदावन में पेड़ वृक्ष लता पर विश्वास नहीं है तो मठ मंदिर लगते हैं बनाने के लिए। महात्मा लोग केवल एक वृक्ष का आश्रय ले लो, हम लोग सेठ साहूकार का आश्रय ले लेते हमको चाहिए। अरे वृंदावन में रहना है तो कहते हैं कल्प वृक्ष लता जहां साहजिक वन आ पुष्प फल बिना के हो ना मांगे अन्य धन। ये वृंदावन की ऐसा वृक्ष है कि यहाँ पर सब कुछ संपूर्ण देने के लिए तैयार है। वृंदावन की ऐसी वृक्ष लता है। लेकिन ये ब्रजवासी लोग उससे कुछ मांगते नहीं। ये वृंदावन के वृक्षों से क्या मांगते हैं तो बस यही दे दो, मुझे एक फल दे दो, एक फूल दे दो, हमको ठाकुर जी को चढ़ाना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मांगते। अरे महाराज क्या कहूं, वृंदावन और स्वर्ग में केवल एक काम धेनु गैया है, लेकिन अनंत काम धेनु यहाँ चरे बने बने, यहाँ अनंत काम धेनु बन बन में जाती है। काम धेनु का अर्थ होता है तुम्हारी जो कामना है वो समस्त कामनाओं का पूरा करने वाला एक काम धेनु है। लेकिन इस काम धेनु से भक्त लोग यहाँ ब्रजवासी लोग कुछ नहीं मांगते हैं। दुग्ध मात्र देन के हो ना मांगे अन्य धन, बस देना है तो दूध दो। पूछते हैं किस लिए दूध दो तो उसको दही जमाएंगे फिर मथेंगे मक्खन मिलाकर ठाकुर जी को खिलाएं, इसलिए मांगते हैं। अरे सहज लोकेर कथा कहाँ दिव्य गीत, सहज गमन करे नित्य कर जीता यार। अब देखिए मथुरा स्टेशन से उतरिए, देखिए वृंदावन की महिमा। एक छोटी सी बच्ची जो भाव भंगिमा में नाचती है वो नृत्य कला के आचार स्त्रियां भी उसी नाच नहीं सकती। आप लोग देखिए बरसाना जाएंगे, बरसाना एक छोटी छोटी कहां से स्त्रियां आती हैं, कदम करे आ जाइयो और गाती है, नृत्य करती है, इतना सुंदर नृत्य करती है। एक महाराज बॉम्बे का आदमी आया था, वो कह रहा था कि महाराज हम तो इन पर दीवाना, एक छोटी छोटी बच्ची जो नृत्य करती है कहां से सीखी है। तो वृंदावन में चलना जो श्री कृष्ण के प्यार के वशीभूत होकर के इधर उधर घूमता है उसका चलना ही सहज नृत्य हो जाता है। सहज लोकेर कथा जहार दिव्य गीत, सहज गमन करे नृत्य करती। यहाँ की जो चर्चा है ना, बातचीत करते हैं। ब्रज की गोपियां एक जगह गई पानी भरने के लिए,
तो बड़े बड़े जोगी जति सन्यासी एक जगह बैठ करके कुछ विचार कर रहे थे, उपनिषद की चर्चा कर रहे थे। तो एक गोपी कही कि यहाँ साधु महात्मा ब्रह्म 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 क्या करते रहते हैं, हम देखी वहां बैठ कर कि ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। तो एक गोपी कहे कि क्या वे ब्रह्म होगा, अरे हमारा कन्हैया का ही कोई नाती पोता होगा ये ब्रह्म। तो महाराज तीनों का अब ऐसे तो कह दी कि ब्रह्म नातिक होता, लेकिन इतना बड़ा सिद्धांत है श्री कृष्ण के चरण नख पालपी से अनंत अनंत ब्रह्म ज्योति निकलता है। ये लोग सहज में जो बात करती है वेदांत का साथ है, यही सहज लोकेर कथा यहाँ दिव्य गीत, यहाँ साधारण में ब्रजवासी जो बोल देती है। गांव में जाप लोग रहेंगे, देखिए गांव में ब्रजवासी कितना सरल ब्रजवासी और कितना उच्चतम बात करते हैं। समूहा में एक ब्रजवासी हमसे कह रहा था, बाबा तू जानता नहीं, क्या राम रगड़ा सबसे तगड़ा, भगवान का भजन करना सबसे बड़ा काम है, बिल्डिंग बना लेना, घर बना लेना, मकान बना लेना, प्राइम मिनिस्टर, ये बड़ा साधारण काम है, भजन करना बड़ा कठिन काम है, राम रगड़ा सबसे तगड़ा, सबसे बड़ा काम क्या है, राम रगड़ा, रगड़ा कहते हैं बार बार राम 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 कहना, भगवान का नाम रगड़ना सबसे तगड़ा काम है। संसार का सबसे कठिन यदि कोई काम है तो नाम संकीर्तन, जप 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 करना। एक आदमी था, एक उसका भाई का शरीर छूट गया, तो सब लोग आकर के कहे हाथ जोड़ कर भगवान इसको अपने चरण में स्थान दे। तो उसका भाई मन में सोच रहा है कि यार ये तो जीवन भर मेहनत करके घर बनाया, मकान बनाया, अब यहाँ उसको शरण नहीं, कहाँ जिसका तो कभी नाम नहीं लिया वो शरण दे। जीवन भर जब से जन्म लिया, पैसा कमाया, घर बनाया, मकान बनाया, लोगों के साथ किया, अब उसका कोई साथी नहीं, वो कोई भगवान शरण दे। इतना ही बात सुनना, देखिए प्रत्येक दृश्य दर्शन है, दर्शन करने पर सिद्धांत। और वो संस्कारी जीव था, यही बात उसकी छाती में लग गई कि यार जीवन भर काम किया, ये तो उसको साथ दिया नहीं, और कोई भगवान है जो उसको साथ देगा, तो यार हम क्यों ना उसी के शरण में जाएं। एक ही बात जो महत्व है, जिस स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए जीवन भर रगड़ खस करते हैं और किसी काम का नहीं, भगवान साथ दे, भगवान अपने चरण में स्थान। तो यार जब चरण में ही जाना है तो इस झमेला किस काम का जो जीवन भर किया, झूठ मूठ अनावश्यक, बैठे बैठे मर जाए, मर जाने के बाद अब ये किसी काम का नहीं, जिसके लिए हम जीवन भर बर्बाद क्यों, किसी एक पैसे का काम नहीं, कौन काम देगा, तो भगवान। आज इस भगवान के विषय में कोई जानता है, अटकलबाजी लगाते हैं भगवान, वही देखिए एक शब्द से बजा। ये वैराग्य किसको होता है, तो जिसका संस्कार होता है। और हम लोग हजार बार सुनते हैं लेकिन बस फिर चिड़िया की चिड़िया वही कुकर्म करते हैं, बार बार सुनते लेकिन काम, क्योंकि हमारा संस्कार अच्छा नहीं। यदि संस्कार अच्छा रहे तो एक शब्द में ही काम बन जाए। एक लड़की थी राजस्थान की, उसका विवाह हो गया, अब विवाह होकर के खूब अपने पति के घर में जा रहे थे, खूब सुंदर श्रृंगार करके पालकी पर चढ़ कर जा रहे थे, रास्ता में देखी कि एक महात्मा बैठ करके भजन कर रहा है, तो पालकी से उतरी गई कि हमको एक काम करने दो, थोड़ा महात्मा के चरण पर अपना सिर रखने दो, वो लड़की बाती है। तो निकल करके आई और महात्मा के सिर पर अपना चरण रखी और रहकर कहती है जाना है, महात्मा को दया है, कहे बेटी जाना है रहना नहीं, मरना विश्वाभिश, जो भी इस जगत में आया है सबको जाना है, जाना है रहना नहीं, मरना विश्वाभिश, असहजो तनक सुहाग पर कहां बुथावे शीश, थोड़ा सा सुहाग के लिए अपने शरीर को ऐसा रंग डाली है तो, बस इतना ही कहे और कुछ नहीं कहे। वाह, इतना सुनते ही सब अपना आभूषण निकाल कर फेंक दे। चरण दास सदगुरु मिले शिष्यो सहज सुजान, एक शब्द में मीट गई सबरी खींचा था, एक शब्द में इतना धक्का लगा कि वह लड़की अपना पति को, घर को, विवाह सब छोड़कर वृंदावन आ गई।
भक्ति काल की अंतिम महिला थी सहजुबाई। उसने प्रिया जी की ऐसा ऐसा पद लिखी है, बस इसी शरीर से प्रिया जी का दर्शन करता है। तुम्हारा जिसका चित्त जितना शुद्ध होता है पवित्र, एक ही शब्द काम कर देता है, और नहीं तो रोज रोज सुनो वही कुकर्म करता रहेगा, बार 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 सुनने के बाद, क्योंकि चित्त खराब है। अरे भैया, जिस रस की प्राप्ति हम लोग करना चाहते हैं, उस रस में लक्ष्मी जी गुण यहाँ लक्ष्मी समाज और कृष्ण वंशी करे तहां प्रिय सखी काम। ये वृंदावन की अलौकिक लीला है, जिस लीला को आज तक लक्ष्मी भी नहीं प्राप्त कर पाए। लक्ष्मी चाहती है लेकिन नहीं प्राप्त कर सकती है। क्यों नहीं प्राप्त कर सकती है? कि प्रिया जी में उसकी सौतीयता है। अरे श्री कृष्ण की आराधना करना है तो कृष्ण की हिम्मत नहीं है ब्रज में किसी को स्वीकार कर। कोई कितना भी कृष्ण की आराधना करे, कृष्ण की देख भी नहीं सकते। कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो बस एक ही काम है, वह है गोपी अनुगति बिना, बिना गोपियों की चरण रज की आराधना किए कृष्ण ऐसे उलाट कर देख नहीं सकते। कृष्ण तो के कृष्ण कौन है जानते हैं ना? कैसे जयदेव जी के है, श्री मुख चंद चकोर जय जय देव हरे। प्यारे श्याम सुंदर की दृष्टि चकोर जैसा प्रिया जी के मुख चंद पर लगा, किसी और देखते भी नहीं। ये ब्रज का कन्हैया है श्री मुख चंद चकोर, बस चकोर जैसा प्रिया जी की मुखमंडल का ध्यान करते देखते रहते। वो किसी भी उधर कहे हिम्मत ही नहीं देखना है। अब प्रिया जी यदि अनुमति दें तब जीव के पास ठाकुर जी आते हैं। इसलिए यहाँ पर यहाँ ब्रजरज की आराधना यही है कि यहाँ पर प्रिया जी की आराधना कर नहीं, कहते हैं कि सर्वार्थ सार रस वर्ष कृपा दृष्टि परम प्रेमवती पृष्ठा कृष्ण आराधिका श्री राधा की चरण रेणु लिए बिना कोई भी यहाँ पर युक्त सिद्ध नहीं हो सकता। सर्वार्थ सार रस वर्ष कृपार्थ दृष्टि, सर्वार्थ सार इस प्रकार प्यारे श्याम सुंदर भी जिस रस की प्राप्ति करने के लिए प्रिया जी के चरण कमल की आराधना करते हैं, वही है सर्वार्थ सार रस वर्ष कृपार्थ दृष्टि। श्री राधा की कृपा दृष्टि सर्वार्थ सार रस वर्षणी प्यारे श्याम सुंदर भी जिनकी याचना करते रहते हैं, जिसको सबसे श्रेष्ठ कहा गया श्री कृष्ण प्रेम को पुरुषार्थ सार कहा गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुः पुरुषार्थ है, तो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन है ना? प्रेम पुरुषार्थ। अरे भाई, जैसे संसार में हमका हमारा मन लगा हुआ है तो वैसे प्रिया जी के चरण कमल में लगे, बस और कुछ यही सार है। कृष्ण विषयक प्रेम पंचम पुरुषार्थ, प्रिया जी के चरण कमल में प्रीति हो जाए सबसे बड़ा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जानते हैं ना, ये जीवन भर कमाई का फल क्या है? किशोर जी के चरण कमल में कृष्ण प्रेम, जिस प्रेम के आगे जार आगे त्रिण तुल्य चारी पुरुषार्थ। थोड़ा सा भी यदि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रीति हो जाए तो उस प्रीति के आगे धर्म अर्थ काम और मोक्ष त्रिणवत हो जाता है, त्रिण के समान होता है। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद मृत सिंधु मोक्षादि आनंद जार नहे एक बिंदु। प्रिया जी के चरण कमल में प्रीति हो जाए, इतना हो जाए किशोरी जी का नाम लेते आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, प्रिया जी आंख मूंदते प्रिया जी के चरण कमल हर हृदय में दिखने लग जाए। ऐसी जब इच्छा हो जाए, ऐसी स्थिति, तो उस आनंद के आगे मोक्षादि आनंद जार नहे एक बिंदु। मोक्ष की जो आनंद है एक बिंदु भी नहीं है। इसलिए महाराज जितना भी महापुरुष लोग हैं बस यही करते हैं, कृष्ण रे माधुर्य रस कराय आस्वादन। हम लोग जी अभी चर्चा करेंगे राधा रस की, अलौकिक ग्रंथ है महाराज, जिस रस की चर्चा यहाँ होने जा रही, कृष्ण रे माधुर्य रस कराय आस्वादन। प्रेम होता होते है कृष्ण निज भक्त को, प्रेम माने प्रेम का अर्थ होता है यकीन प्रिया जी का चरण कमल। प्रेम केवल किशोर जी से हो सकता है और किसी से हो नहीं सकता है। तो प्रेम यदि प्रिया जी के चरण कमल में हो गया तो प्रेमा हरते पाए उस प्रेमा, उस प्रेम होने पर कृष्ण तो पीछे पीछे अपने आप प्राप्त हो जाएंगे।
अर्थात राधा की करुणा दृष्टि मात्र से ही सर्व पुरुषार्थ सार प्रेम रस बिना साधना की अजस्त्र धार होकर के ब्रजवासियों के घर घर में डोलता रहता है। प्रिया जी की यदि कृपा हो जाए तो प्रेम के अजस्त्र धार प्यारे श्याम सुंदर घूमते रहते उन भक्त के पास। इसलिए बृहद भागवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, कृष्ण की प्रियतमा परम प्रेमवती जो राधिका है वही प्रत्यक्षी भूत यहाँ की वर्तमान प्रेम है। साराधिका भगवती क्वचित इच्छते चेत, यदि वास्तव में प्रेम की इच्छा है तो प्रेम की साक्षात श्री विग्रह कौन है? प्रिया जी, किशोरी जी, प्रेमा तदनुभव मृक्षति मूर्तिमान। वही प्रेम यदि प्राप्त करना है तो देखिए कृष्ण दुर्लभ हैं, कृष्ण से भी अधिक दुर्लभ प्रिया जी हैं। तो हम लोग तो केवल नाम ही ले सकते हैं, प्रिया जी के प्रेम माधव जी को तो प्राप्त कर नहीं सकते हैं। तो कहते हैं चिंता मत करो, अभी चिंता करने की बात नहीं, स्वयं प्रिया जी कलिहत जीवों पर कल्याण करने के लिए प्रत्यक्षी भूत गौर के रूप में प्रकट हो गए। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जो राधा रानी दुरूह हैं, सुदुरूह हैं, वह प्रिया जी आप करुणा करके प्रकट हो गए। किसके रूप में? गौर के रूप में। और अधुना प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं उसी अधुना अभी इस समय इस विशेष कलयुग की बात का मैं अनुभव बता रहा हूँ। अभी वर्तमान कलिकाल में वही प्रिया जी गौर रूप में प्रकट होकर के अपने निज कांति के द्वारा, देखिए गौर में कोई ताकत क्या था, प्रिया जी का जो अंग कांति दे दिए थे तो उस अंग कांति को देख कर ही सब में प्रेम का संचार हो जाता। गौर को कुछ करना नहीं पड़ता था। अंतः कृष्ण, अंदर तो श्री कृष्ण थे और बाहर कौन था? प्रिया जी। तो प्रिया जी की अंग कांति देख कर ही सब लोग कृष्ण भक्त हो जाते थे। श्री राधा की भाव कांति लेकर विश्व में गौर सुंदर अवतीर्ण हुए हैं। ये राधा कांति के कारण ही श्री गौर कांति देख करके जगत जीवों को भगवत प्रेम का संचार किए। वहीं पर है चेत कृष्ण चंद्रस्य महाव अवतार था। आज तक भगवत इस भूमंडल पर जितने भी कृष्ण के भगवत स्वरूप के अवतार हैं, ऐसा अवतार कोई नहीं है जो निज प्रेम वितानकारी। ये गौर का अवतार क्या है? अपने प्रेम को, भैया अपने प्रेम छिपा कर रखते हैं। आपको किसी से प्रेम है तो इस प्रेम को किसी से कह देंगे तो प्रेम थोड़ा दे। प्रेम एक ऐसा देवता है, इसको जितना छिपाएंगे उतना बढ़ता है। लेकिन हमारा गौर क्या किया कि उस प्रेम को वितरण कर दे जगत जीवों को, उसी प्रेम को लेकर के सब को मूर्तिमान प्रेम को साक्षात गली गली सबके जगह बांट दिए। जो सोया हुआ था उसको क्या किए तो उसके गांठ में बांध दिए कि जगेगा तो उसको मिल जाए। ऐसा दयालु भगवान। हम लोग एक बार गए थे वहां पर, क्या नाम है, मायापुर के पास श्रीखंड, तो एक रिक्शा वाला मिला। क्या है, एक रिक्शा वाला हम लोग को ले जा, और रिक्शा वाला इतना मधुर कीर्तन करता, इतना सुंदर कीर्तन कर रहा था कि यार मन किया कि हम लोग उसको बैठा कर ले जाए, इतना सुंदर मधुर कीर्तन कर रहा था। अब कुछ दूर हम लोग गए तो कीर्तन करते करते मधुपति कुंड पर गए, वहां जाकर रोने लगा। तब महात्मा जी कहे कि देखिए इस ब्रज गौर मंडल में गौर महाप्रभु प्रेम दे दिए, और जो नहीं लेना चाहता था उसके गांठ में बांध दिए, जब भी किसी जन्म में उसकी चेतना जगेगी तो प्रेम मिल जाएगा। प्रेम है लेकिन प्रेम जैसे कोई बाबा दादा किसी को किसी के बैंक में पैसा रख दिए लेकिन किसी को याद नहीं, और जब भी याद आएगा तो खोलेगा तो संपत्ति प्राप्त हो जाएगा प्राप्त। उसी तरह ये जो कृष्ण प्रेम है वो गौर मंडल में सबको महाप्रभु बांट दिए, सबको ये प्रेम दे दिए, और जब किसी को इच्छा है तो प्रेम प्राप्त हो जाता है, और जब तक इच्छा नहीं होता है तब तो प्रेम तो है ही। अरे ये आज इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में देखिए ब्रज में जो रस भक्ति का आचार, रस की भक्ति यहाँ हम लोग ब्रज के गाँव में देखते हैं। बंगाली महात्मा जितना भजन करते हैं, ये एक सी गांव है वहां पर देखा एक महात्मा, वृद्ध महात्मा थे, ओ भजन परसों गांव है, गांव गांव में छिप करके गौर कृपा है।
गौर महाप्रभु उनके गांठ में प्रेम रूपी संपत्ति को बांध दिए और जब चाहता है तो प्रकट हो जाता है। ऐसा गौर का अवतार है, धन्य है। इसीलिए इस कली को कहा गया है धन्य धन्य कली। राधा की कांति का प्रभाव ही है कि आज तक कृष्ण प्रेम श्री गौर का दिया हुआ है। यही है सर्वार्थ सार, जो कृष्ण प्रेम है उसकी रस वर्षणी श्री राधा की कृपा दृष्टि है। अर्थात राधा के प्रेम माधुर्य के सहयोग से ही कृष्ण प्रेम उताल तरंग से होकर के आज भी देखने को मिल रहा है, रो रहा है। एक बरसाना में देखा वृद्ध महात्मा को, राई राई कह को छे रो रहे थे, राधा 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 कह को इतना रो रहे थे, कब करुणामयी कब करुणामयी करुणामयी ऐसे कहते कहते रोने लगे। ये गौर कृपा है, ये महाप्रभु ने स्वयं राधा रानी की भाव कांति लेकर के इस जगत में आए और अनधिकारी जीव के ही गांठ में बांध ली। जब तुमको इच्छा होगा मिल जाएगा, चिंता मत करो। क्यों हम लोगों को इच्छा करना है, प्रेम तो महाप्रभु अपने से ही दे दिए। अब वृंदावन का लीला का सर्वस्व का सार है राधा रानी। ये हमारी किशोरी जी है ना, यही प्रेम की अधिष्ठात्री देवी, अति किंचित कण भी कण मात्र भी यदि किसी को प्राप्त करना है तो क्या करना है। हम लोग को यदि प्रेम प्राप्त करना है तो क्या साधन की कुछ जरूरत, साधन से नहीं मिलेगा, तो इच्छा करोड़ों में प्रेम से मिल जाए। आप यहाँ बैठ कर सोच लो कि ये करोड़ रुपया मिल जाए, मिलेगा नहीं मिलेगा ना, मिल जाएगा क्या? रुपया के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे भाग में नहीं रहेगा तो कितना भी मेहनत करो नहीं। जब धाता निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महत्व, और ये प्रेम रूपी संपत्ति तुम्हारे भाग में भी ना हो, तुम केवल चाह कर लो, उत्कट चाह कर लो कि हमको प्रिया जी के चरण कमल में प्रीति चाहिए, तो मिल जाएगा। बस तत्र लौल्यम अपि केवल मूल्य, एक ही मूल्य है लौल्यता, यह यदि चाह हो जाए तो यह। इस चाह के लिए करना क्या पड़ेगा, तो देखो भाई प्रीति होगी ना, भगवान से प्रीति होगी तो सब कुछ अपने आप छूट जाए। ये प्रीति प्रेम का स्वभाव है। प्रेम एक ऐसा देवता है वो किसी के बंधन में नहीं रहता है। प्रेम यदि आप प्रीति किसी मर्यादा अथवा लाज लिहाज का अपेक्षा नहीं करता, प्रेम यदि हो गया तो प्रेम ऐसा देवता है कि अपना अनादि जो अपनी पत्नी को घर को बाल बच्चा को सब कुछ छोड़ने में थोड़ा सा भी देरी नहीं लगता। प्रेम होना क्यों चाहिए, यहाँ तक कि आसक्त मन की गति अप्रतिहत है। यदि हमारा मन भगवान के नाम में रूप में गुण में लीला में धाम में आसक्त हो गया तो ये मार अपवार कुछ भी नहीं देखता, वो चल देता है। प्रेमी का मन एकमात्र प्रेमी के मन में एकमात्र प्रेम का ही मूल्य होता है, वो प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने के लिए निश्चय होता है। यदि हमको प्रेम हो जाए प्रिया जी के चरण कमल में तो हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। प्रेम नहीं है इसलिए हम छूट रहे हैं। एक बार यदि प्रेम हो जाए उसकी रक्षा के लिए संसार की तो बात ही क्या, हंसते हंसते अपने शरीर को भी दे देता है। हमको कोई परवाह नहीं, हमको प्रिया जी का प्रेम प्राप्त होना चाहिए। प्रेम धन बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोहि देह प्रेम धन। जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त न हो तब यह जीवन क्या है, अधूरा है। इसलिए प्रेम ही संपूर्ण आत्म का समर्पण है। समर्पण वही कर सकता है प्रेम हो, यदि प्रेम न हो तो समर्पण हो नहीं सकता है। अब महाराज आचार्य चरण कहते हैं, जो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मोक्षै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सत्यो वशीकरण चूर्णम् अनंत शक्तिम् तं राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। ये दुरूहता अप्रकट कर, जो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्यै। अब जिसका नाम लिया जा रहा है ये साधारण लोग ने, कौन ब्रह्म ब्रह्मा जी रुद्र सुख नारद भीष्म, ये लोग भी नालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य
शंकर जी भी चाहे कि हम प्रिया जी की उसके लिए निकुंज का दर्शन कर लें तो ना, असंभव चीज। अरे श्री कृष्ण का चरण रथ चाहे भगवान शंकर तो उनके लिए ना, नहीं संभव। आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, लेकिन उन श्री कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो क्या करें? सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि, तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। यह स्मरण कर रहे हम लोग तो प्राप्त है, प्रिया जी का चरण रज प्राप्त है कि नहीं है ना, लेकिन हम लोग को प्रेम नहीं। बस प्राप्त तो है, भोजन प्राप्त है लेकिन भूख नहीं, तो क्या करेंगे? खूब माल रखा गया है पेट में, भूख चठराग्नि मंद पड़ गई, तो क्या करेंगे? तो उपाय नहीं है, अरे डॉक्टर के पास जाए। अरे भाई क्यों कह रहे हैं? भोजन आपके पास है और भूख नहीं तो क्या करेंगे? वैद्य के पास जाएंगे, जठराग्नि थोड़ा प्रदीप्त करे, वही है महत्वपूर्ण उसका चरण। ये प्रिया जी का चरण रज हम लोगों को प्राप्त है लेकिन उसमें प्रेम नहीं, तो संत शरण में जाए। ये महत्वपुरुष के कृपा के बिना वो चरण रज में प्रीति नहीं होगी। वो चरण रज कैसा है? तो सद्यो वशी करण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। जह ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य सहसा न अलक्षित न आलक्षित, जहां जिसको ब्रह्म रुद्र शंकर इत्यादि जिनको नहीं देख पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, तस्य पुरुषस्य सद्य वशीकरणार्थ, उन श्री कृष्ण को बस में यदि करना है, वशीकरण करना है, तो वशीकरण करना है तो क्या उपाय है? वशीकरणार्थ अनंत शक्ति चूर्ण तम राधिका चरण रेणु अहम अनुष्ठान। बड़े बड़े अनुष्ठान लोग करते हैं कि श्री कृष्ण को वश में कर ले, और श्री कृष्ण को वश में करना है तो वृंदावन के रज को लेकर के आवाहन करो, एक बार आवाहन करो, आवाहन करने मात्र से ही ठाकुर जी अपने आप आ जाए। जय जय श्री राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। चरण रज की आराधना करना है, चरण रज की आराधना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायास पावे, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। श्याम सुंदर के चरण को पाना है तो बस एक ही चीज की, किसी महत्पुरुष की कृपा प्राप्त करके चरण वृंदावन के रज में प्रीति प्राप्त, प्रीति प्राप्त कर लेने के बाद बस राधिका चरणाश्रय जे करे से महाश्रय से मुई जाओ बलि। इसलिए साधन का फल क्या है? महत्पुरुष का संग। जब तक महत्पुरुष का कोई चरण आश्रय नहीं ले तब तक महाराज ब्रजरस की प्राप्ति होती नहीं है। ब्रजरस की प्राप्ति करने के लिए भागवत में लिखा गया है, रहु गणित तपसान जाती न चे जया निर्वपणा गृह द्वार न छंद नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत पाद रजो अभिषेक। प्रिया जी का चरण रज तपस्या से नहीं मिलेगा, तपस्या न जाती तो क्या पूजा पाठ करने से मिलेगा? तो कहता है ना चेतिया से भी नहीं मिलेगा, न चेतिया तो क्या घर द्वार छोड़कर बाबा जी बनने से मिलेगा? तो ना उसे तो एकदम नहीं मिलेगा। और अहंकार चीज है, निर्वपण का अपना वोपण छोड़,
गृहद्वज घर द्वार छोड़ दे। तो प्रिया जी की चरण प्राप्ति करने के लिए क्या हो करना है, तो किसी रसिक महापुरुष के चरण का आश्रय लेना है, बस एक ही चीज है। बिना महत पाद रजो अभिषेक, महत्पुरुष के चरण के रज में जब तक अभिषेक नहीं करेंगे तो प्रिया जी की चरण कमल प्राप्त नहीं होगा। एक ही उपाय है जिसको हमारा गौर देकर कहे, किसी महत्पुरुष के चरण का आश्रय ले लो और लेकर के इस रस का स्वाद करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम पद्मा पयोधर तटे परिरंभ लग्न, काश्मीर मुद्रित मुरो मधुसूदनस्य, व्यक्तानुराग विवखे लदनंग खेद, श्वेदांबु मनुपूरयतु प्रियः वः। मधुसूदन मधुसूदनस्य पद्मा पयोधर तति परिरंभ लग्न काश्मीर मुद्रित खेलन दनंग खेत स्वेदांगुपूर व्यक्तानुराग इव उर उष्माकं प्रियम अनुपूरयतु। कैसा भगवान कन्हैया कैसा है, ये कृष्ण कैसा है, तो प्रिया जी के स्तनों के तट को स्पर्श उनसे लगे हुए केसर युक्त लक्ष्मी की छाती पर खेलते हुए काम की रति क्रीड़ा के परिश्रम से पसीने से लिप्त प्रवाह है जिनके, उन अनुराग प्रीति मधुसूदन श्री कृष्ण भगवान का वक्षस्थल आपके प्रिय को पूर्ण करे। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जुष्माकं प्रियं अनुपूरयतु। वो कौन भगवान, पद्मा पयोधर तटी परिरंभ लग्न काश्मीर मुद्रित मुरो मधुसूदनस्य, व्यक्तानुराग विवखे लदनंग खेद, श्वेदांबुपूर मनुपूरयतु प्रियः वः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वसन्ते वासन्ते कुसुम सुकुमा रैरवय वय